अब जब नई अयोध्या बनेगी, जब नया राम जन्मभूमि बनेगा, तो अयोध्या का नया रूप प्रस्तुत होगा। अयोध्या की नई सड़कें बनेगी, अयोध्या में नए मकान बनेंगे, अयोध्या में मंदिरों की व्यवस्था होगी। ये दृश्य आप सबको जब मंदिर बनना शुरू होगा, उसी के साथ साथ अयोध्या को कैसे रंग रोगन किया जाएगा, ये भी देश की जनता देखेगी। अयोध्या तब स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग धाम, क्योंकि बहुत लोग मंदिर के संघर्ष करते करते स्वर्गवासी हो गए। कितने लोग, मेरे सामने एक लड़का जो था 30 साल की उम्र में मंदिर के संघर्ष करते करते प्राण दे दिया, और हम लोग बचे थे। लेकिन अब लग रहा है कि हम लोग को प्राण बच जाएगा, प्राण नहीं देना पड़ेगा और हम लोग देख लेंगे। जो बुजुर्गों का सपना था वो साकार होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी विश्वास है कि ये पत्थर जो तराश के रखे हैं, समाज ने इसको दिया है। 125 हमने लिया था 1989 में, और संपूर्ण जो एक 275,000 गांव से जब आई ये शिलाएँ, मतलब धन मिला 125 रुपये, तो ये लगा कि इन पत्थरों को ज़रूर वहाँ पर लगाने का कार्य प्रारंभ होगा, और वह समय आ गया है कि हम इसको वहाँ पर लगाएँ। मुझको विश्वास है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के संतों को विश्वास में लेकर, विश्व हिंदू परिषद को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विश्वास में लेकर अयोध्या में मंदिर बनाने का काम प्रारंभ करेंगे। आने वाले दिनों में दावेदारी को लेकर के विवाद होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो लोग इसमें जुड़े हुए थे, जिनको अपना रोज़गार भी दिख रहा था, अब कहीं ना कहीं ये दावा जो खारिज हुआ है उसमें अंदर कलह मच गई है। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको पहले से सोच थी कि जो है पुजारी बनेंगे तो हमारे पक्ष में आएगा, जो चढ़ावा चढ़ेगा मुझे मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये एक आगे चल के विवाद तो लेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस विवाद में कोई बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में हैं नरेंद्र मोदी जी, कहीं ना कहीं सबको मना लेंगे। आपका मकसद पूरा नहीं होगा। जो फैसला दिया है वो वाकई हकीकत की बुनियाद पे नहीं दिया जाए जी, समझा आपने? उसको फैसला आस्था पे मान लीजिए या आपके मेजॉरिटी पे मान लीजिए, उस पर फैसला दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमको मानना है।